Hi, this is RS and welcome to RS Academy. Today's topic of discussion is GST. So, without wasting your time, let's talk. tally में GST related transactions perform करने से पहले GST का concept जानना बहुत ही ज़्यादा important है. So, what is GST? Goods and Services Tax एक indirect tax है जो हमें bear करना होता है जब भी हम कोई भी goods या सर्विसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स होम अप्लायसेस परचेस करते हैं तब सेलिंग बिल में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड रहता है राइट जस्ट अ सेकेंड इनडिरेक्ट टैक्स इसे जानने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अब डिरेक्ट टैक्स और इनडिरेक्ट टैक्स होता क्या है अगर कोई एम्प्लॉय स्पेसिफिक इनकम स्लैब में कवर होता है तब उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को देयर इज नो अदर पर्सन इन्वॉल्व बिटवीन द पेयर दैट इज एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट वेयर एज इनडिरेक्ट सेलर और सर्विस प्रोवाइडर अपनी एम आर पी और सेलिंग प्राइस में टैक्स एक्सपेंस एड कर देते हैं जो अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ता है और उसी में जीएसटी इंक्लूड रहता है वही टैक्स सेलर और सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को पे करता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता

इनडिरेक्ट टैक्स ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल है मोस्ट ऑफ द गुड्स पे पहले बहुत तरह के इनडिरेक्ट टैक्स होते थे जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टेट वैट एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स सेस एडिशनल एक्साइज एंड कस्टम्स पर अभी ये सब को रिप्लेस करके आ गया है जीएसटी जीएसटी आने के बाद टैक्स पेयर या बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है बाई रिमूविंग द कैश इफेक्ट

मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा है और उसपे वो क्या कर रहा है फोर हंड्रेड रुपीज एड कर देता है एज प्रॉफिट एंड देन सेल वैल्यू हो रहा है 1500 रुपीस. जो वो रिटेलर को सप्लाई करता है और उस पर टेन परसेंट का टैक्स चार्ज करता है रिटेलर के लिए इनवॉइस वैल्यू हो रहा है 1650. और रिटेलर क्या करता है वही सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी पे फाइव हंड्रेड रुपीज एड कर देता है एज प्रॉफिट एंड सेल वैल्यू हो रहा है टू वन फाइव जीरो कस्टमर को सेल कर रहा है जिसपे वो टेन परसेंट का टैक्स चार्ज कर रहा है कस्टमर के लिए टोटल वैल्यू हो जा रहा है टू थ्री सिक्स फाइव एक चीज अगर आप गौर किए होंगे तो देखिए यहाँ पर टैक्स अपॉन टैक्स हो जा रहा है कैसे देखिये जब होलसेलर मैन्युफेक्चर से इलेवन में सामान खरीदा तो उसपे देखिए वन हंड्रेड ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड था और जो कि मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे कर चुका है होलसेलर क्या कर रहा है फिर से जब वो रिटेलर को सामान सेल कर रहा है तो उस पर देखिए वन फिफ्टी रुपीज का फिर से चार्ज हो रहा है फिर उसको गवर्नमेंट को ही पे करना पड़े। तो वो तो पहले ऑलरेडी ये सामान के लिए तो ऑलरेडी वो हंड्रेड रुपीज पे कर चुका है फिर से वो फुल अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है जबकि उसे करना चाहिए था वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड क्योंकि वो हंड्रेड पहले दे चुका था गवर्नमेंट को एज अ टैक्स तो ब, कितना अमाउंट बच रहा है फिफ्टी रुपीज तो इस, यही फिफ्टी रुपीज उसको डिपोजिट करना चाहिए था पर यहाँ पर वो फुल अमाउंट पे कर रहा है तो यहाँ पर टैक्स अपॉन टैक्स हो जा रहा है जिससे

प्रॉफिट ऐड किया जाता था पर यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पर होलसेलर 1000 जो सेल वैल्यू है 1000 पे वो प्रॉफिट ऐड करेगा तो फिर सेल वैल्यू हो रहा है 1, रुपीस, जो वो आगे रिटेलर को सेल कर रहा है और उस पर वो टेन का टैक्स एड करता है तो रिटेलर के लिए इनवॉइस वैल्यू हो रहा है 1, 5, 4, अब ये 1, 5, 4, में कितना टैक्स इंक्लूड है यही वन फोर्टी रुपीज क्या होलसेलर गवर्नमेंट को पूरा पे कर पूरा पे कर देगा नहीं वो पूरा पे नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर से खरीदा था तब वो हंड्रेड रुपीज का टैक्स पे किया था तो यहां पर जो वो टैक्स कलेक्ट किया है दैट इज वन फोर्टी रुपीज़ का उसमें से वो पहला पिछला टैक्स को माइनस करेगा दैट इज वन हंड्रेड रुपीज तो अमाउंट कितना बच रहा है फोर्टी रुपीज जो कि ये यही फोर्टी रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पे करेगा दैट इज वो तो पूरा अमाउंट यहाँ पर पे नहीं करता और इसी को कहते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट तो गवर्नमेंट को कितना पे किया जा रहा है ओनली फोर्टी रुपीज क्यों किया जा रहा है आपको कारण समझ में आया क्योंकि वो ऑलरेडी पहले हंड्रेड रुपीज का टैक्स मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका था अब सेम सिमिलर रिटेलर उसे फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी रुपीज में खरीदता है और इसी पे ही वो प्रॉफिट ऐड कर देता है रियली really? मैं तो कंफ्यूज कर रहा था इनवर्स वैल्यू में क्या हम लोग प्रॉफिट uh, एड करेंगे करंट टैक्स सिस्टम में इनवर्स वैल्यू पे नहीं जो की होगा सेल वैल्यू पे हम लोग अपना प्रॉफिट एड करेंगे और ये सिस्टम को क्यूँ लाया लाया गया जस्ट टू रिमूव द कैसकेटिंग इफेक्ट फोर्टीन तो हंड्रेड पे वो एड करता है अपना प्रॉफिट तो 1400 रुपीस पे वो 500 रुपीस करेगा तो सेल वैल्यू हो रहा है 1900 रुपीस। यही जो गुड्स जब वो आगे कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तब उस पर वो टेन परसेंट का टैक्स एड करता है तो इनवॉइस वैल्यू हो रहा है टू जीरो नाइन जीरो जो कि पूरा कॉस्ट है कंज्यूमर का टू जीरो नाइन जीरो अब कंज्यूमर ये टू जीरो नाइन जीरो रिटेलर को पे करता है और यही टू जीरो नाइन जीरो में वन नाइन रुपीज का टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है ये क्या रिटेलर अपने पास रख लेगा वेरी गुड नहीं रखेगा ये वन नाइनटी रुपीज वो गवर्नमेंट को पे कर देगा क्या पूरा अमाउंट पे कर देगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी जब वो होलसेलर से परचेस किया था तब वो ऑलरेडी वन फोर्टी रुपीज का टैक्स पे किया था तो यहाँ पर वो कितना करेगा वो वन नाइनटी माइनस वन फोर्टी रुपीज वो सिर्फ गवर्नमेंट को पे करेगा आई थिंक आपने इस ये वाला सिस्टम को समझ लिया है और ऐसे ही कैश इफेक्ट रिमूव होता है तो फिर आप अब खुद ही कंपेयर करके देख लीजिए पहले का पहले का जो अमाउंट है वो है टू थ्री सिक्स फाइव और अभी का अमाउंट कितना है टू जीरो नाइन जीरो टाइप्स ऑफ जीएसटी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी एंड यू टी जी एस टी जब भी कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई होता है देन जीएसटी टू इक्वल पार्ट्स में लेवी होता है दैट इज एस जी एस टी एंड सी जी एस टी इंटरेस्टेड मतलब होता है विद इन द स्टेट फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ए जो कि कोलकाता का रहने वाला है सप्लाई करता है मिस्टर बी को जो कि दुर्गापुर का रहने वाला है और दोनों ही सिटीज वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है दैट इज विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है।, ये तो हमें समझ में आ रहा है और जब भी ए बी को सप्लाई कर रहा है तब उसपे एटीन परसेंट का टैक्स चार्ज करता है सोच लीजिए सेल वैल्यू है वन लाख रुपीज जिसपे वो एटीन परसेंट का टैक्स एड करता है तो इनवाइस वैल्यू हो रहा है वन लाख एटीन थाउजेंड रुपीज जो कि बी के लिए कॉस्ट है तो जब अमाउंट रिसीव करता है बी से ये क्या करेगा एटीन थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा अब ये जो एटीन थाउजेंड है ये गवर्नमेंट अपने में बांट लेंगे दैट इज को हाफ कर देंगे तो हो जाएगा नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सी जी एस टी के फॉर्म में चला जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट और नाइन थाउजेंड एस जी एस टी के फॉर्म में चला जाएगा टू स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट इंटर स्टेट सप्लाई और इस केस में क्या होता है आई जी एस टी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है और फिर बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट से, से शेयर कर लेता है फॉर एग्जाम्पल सेम मिस्टर ए जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और मिस्टर बी जो कि गुजरात का रहने वाला है जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई करता है तब वो 18 परसेंट का टैक्स ऐड करता है तो सेल वैल्यू है वन लैख ,00 रुपीज जिसपे वो 18 परसेंट का टैक्स चार्ज करता है इनवॉइस वैल्यू हो रहा है वन लैख एटीन थाउजेंड रुपीज वन लाख एटीन थाउजेंड रुपीज जो कि मिस्टर बी ये करता है जब वो ये सामान परचेस करता है मिस्टर ए क्या करेगा 1, 18, में से वो 18, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा जो कि आईजीएसटी के फॉर्म में चला जाएगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है और फिर बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट से शेयर कर लेता है थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ अगर आपका कोई भी डाउट एराइज होता है देन आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you and Namaskar.